भाई है ना, तो मैं तू कर बाय कर आज, बहुत दिन हो गए हैं यहाँ से। दो मिनट। दोस्तों जरा सोचो, शाम के वक्त आपके पापा जॉब से लौटकर आते हैं और सीधा आपके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा मेरा तेरे से एक सवाल है, क्या तू बताएगा? बस इतनी सी बात ही अगर आपके पापा आपसे बोलें तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सोचो। चलो मैं बताता हूँ, उस वक्त आपके दिमाग में चल रहा होगा हाल ही में किए गए सारे बुरे काम। नहीं विश्वास हो रहा है ना, तो एक बार अपनी आंखें बंद करके इस चीज को सोच के देखो और इसी चीज को क्रिएट करके देखो इसी सिचुएशन में। अब बात करते हैं टिकी टिकी टॉक की। बड़े दिन से देख रहा हूँ आप सब तो ऐसे बावले हो रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो कि भाई आप कुछ बोलो। भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो बात बेशक अलग है कि मोदी जी हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के, बहुत ज्यादा दूर के रिश्तेदार हैं। वो क्या है ना कि मेरे पास उनका पुराना नंबर है जो कि अब चलता नहीं है, नहीं तो मैं टिकटॉक को बैन ही करवा देता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी जिनके पास भी टिकटॉक है वो अभी इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दे, बाकी बातें बाद में बताता हूं। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों क्या आप बता सकते हो ऐसा कौन सा एनिमल है जो दूध भी देता है और अंडे भी? बताओ। नहीं पता तो जानने के लिए बने रहो। दोस्तों आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको पाप लगेगा। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टैग। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों आपने एक चीज महसूस जरूर की होगी। मैं क्या कह रहा था, अरे चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है? हाँ तो कहाँ थे आपने? हाँ तो मैं बता रहा था कि आपने ये चीज बहुत ज्यादा महसूस की होगी कि आप कभी भी जब भी लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहते हो और एकदम से उठते हो तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा और चक्कर से आने लगते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? मुझे भी नहीं पता। क्या तकलीफ है इनको? रुको बताता हूँ। दोस्तों जब आप एक ही जगह पर काफी लंबे समय तक बैठे रहते हो तो आपकी टांगों में ब्लड कलेक्ट होने लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। और जब हम झटके से खड़े हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो उसकी वजह से हमें चक्कर जैसी फीलिंग आती है और आपकी आंखों के सामने अंधेरा कायम हो जाता है। अंधेरा कायम रहे और अंधेरा ही कायम रहेगा हमेशा। दोस्तों क्या आप मेल ब्लांक को जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि आपका बचपन इन्हीं की आवाजें सुनते सुनते गुजरा है। ये वो बंदा था जो 1000 से भी ज्यादा आवाजें निकाल सकता था। आपने बचपन में ये वाले कार्टून तो देखे ही होंगे, जैसे कि दी बग्स बनी, दी फ्लिंटस्टोन, ए वाइल्ड हेयर एक्सेट्रा। इन सभी के करेक्टर में मेल की ही आवाजें थी। पर एक बार क्या हो गया कि इनका हो गया एक्सीडेंट और ये 2 हफ्ते तक कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की उसे कोमा से बाहर लाने के लिए पर सारे तरीके नाकामयाब रहे। और फिर 2 हफ्तों के बाद उसकी डॉक्टर जब उसे इंजेक्शन लगा रही थी तो उसने गलती से मेल को उसके कार्टून करेक्टर यानी कि बग्स बनी के नाम से यूं ही पुकार लिया, जैसे नॉर्मल अपने पुकार नहीं लेते हैं, जैसे मेरे को कह देते हैं हाय बकचोदी कैसा है, इसी तरह से डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाते लगाते मेल को कहा कैसे हो बग्स बनी। पर आपको पता है फिर क्या हुआ? आगे से मेल ने जवाब दिया बग्स बनी की आवाज में, हाय डॉक्टर मैं ठीक हूं। और जल्दी ही वो फर्स्ट क्लास भी हो गया, कोमा से बाहर भी आ गया। दोस्तों आपने रूबिक्स क्यूब्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन पजल है जिसको सोल्व करने के लिए चाहिए होता है दिमाग, जो कि सिर्फ, चलो आज मैं आपको इसके बारे में एक अनसुनी बात बताता हूँ। दोस्तों 1974 में रूबिक्स क्यूब्स को रूबिक भैया ने पैदा किया था, मतलब उन्हीं ने इनको बनाया था, आविष्कार किया था। उसका पूरा नाम था अर्नू रूबिक्स। चलो यहां तक तो सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर दोस्तों क्या आपको यह पता है कि रूबिक्स क्यूब्स का जिसने आविष्कार किया था अपने रूबिक भैया, उन्हें खुद 1 महीना लग गया था इसको सोल्व करने के लिए। पर आजकल के चुन्नू मुन्नू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं कुछ सेकंड्स में ही। अरे वो तो मैं भी कर दूंगा। पर है क्या अपने घर पे? अभी तेरे को घर करवा के दिखाता हूँ। नहीं पढ़ा है तो बस फिर क्या करेगा। चल एक काम कर, मैं तेरे को एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है लूडो सिंक। वही लूडो जो हम बचपन में खेलते थे, फर्क बस इतना है बचपन में पैसे नहीं मिलते थे, इसको खेलने से पैसे मिलते हैं। इसमें 1-on-1 खेल सकते हैं जिसमें रैंडमली एक प्लेयर सिलेक्ट होगा और हम उनके साथ खेलेंगे, जीते तो पैसा सीधा डबल। और इसमें ऑफलाइन मोड भी है, इसमें 2, 3 और 4 प्लेयर्स के अलग अलग गेम भी हैं जिसे हम अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं। इधर मैं तेरे को खेल के दिखाता हूँ। इस ऐप में बेनिफिट पता क्या है, इसमें जीता हुआ पैसा तू सीधा पेटीएम में ट्रांसफर कर सकता है। ये देख तेरे को विड्रॉ करके दिखाता हूँ विदाउट एनी टैक्स। चल बैठ जा। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दिया हुआ है जहां से तू सीधा डाउनलोड कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में जा डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों आजकल लोग जब भी सेल्फी लेते हैं तो ऐसे करते हैं, ऐसे
ये देखिए। वाह, पर आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है और क्यों करते हैं? चलो आज हम इसका इतिहास फाड़ते हैं। इतिहास नंबर 1, मुझे हगने जाना है। इतिहास नंबर 2, कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना। इतिहास नंबर 3, जिनके बच्चे होते दो हंसते गाते रहते वो। ये सीन काट देना। ये तो था कुछ साल पहले का इतिहास। चलो अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। दोस्तों पहले के जमाने में जब कोई फौजी जंग जीत के आता था, मेरा मतलब वर्ल्ड वॉर वगैरह वगैरह से था, तो उस समय जीतने के बाद इन दो उंगलियों से वी बनाया जाता था, या से वी। वी का मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जीत। और मैंने कहीं पर पढ़ा था इसे पीस से भी लिंक्ड किया जाता है। दोस्तों क्या आप हचिको को जानते हो? ये जो फोटो है इस कुत्ते की आखिरी फोटो थी जब ये रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था अपने मालिक के इंतजार के लिए। इस कुत्ते का मालिक था एक जापान का बंदा जिसका नाम था इजाबरू यूनो। उसने इस कुत्ते को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला, अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया उसे। जब इस कुत्ते का मालिक जॉब पर जाता था, जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर जाता था तो कुत्ता भी उसके साथ साथ जाता था, और कुत्ता रेलवे स्टेशन पर ही बैठ जाता था उसका इंतजार करने के लिए। और जब भी मालिक आता तो वो खुश हो जाता और वापस वो घर पे चले जाते। ऐसा 2 साल तक चलता रहा। फिर आया 21 मई 1925। हर रोज की तरह वो नॉर्मल ही दिन था। कुत्ता मालिक के साथ रेलवे स्टेशन पर उसको छोड़ने के लिए जा रहा था और वहां पर इंतजार करना था उसे, पर वो बैठा रहा, इंतजार करता रहा, पर उसका मालिक नहीं आया। उसके मालिक को आ गया था हार्ट अटैक, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ पाया और कुत्ता वहां पर इंतजार ही करता रहा। फिर उस कुत्ते को किसी ने अडॉप्ट कर लिया। उसका दूसरा मालिक होने के बावजूद भी वो रोजाना सुबह रेलवे स्टेशन पर जाता था और अपने असली वाली पहले वाले मालिक का इंतजार करता था और दोपहर को वापस आ जाता था। ऐसा उसने हर रोज किया 9 सालों तक, इसी आस में कि उसका मालिक आएगा, कभी तो आएगा, पर वो कभी नहीं आया। ऐसा उसने 9 सालों तक किया और 9 सालों बाद कुत्ते की भी मौत हो गई। इसे कहते हैं सच्ची वफादारी, जो कि सिर्फ कुत्ता ही कर सकता है। और आपको पता है उस कुत्ते की याद में उस रेलवे स्टेशन पर एक स्टैचू भी लगाया गया है, अभी भी वो वहीं पर है, और साथ ही उसके नाम से म्यूजियम भी चल रहा है। और ये रही उस कुत्ते की आखिरी फोटो उसकी मौत से पहले की। लव यू हचिको। दोस्तों वैसे तो आप सबको पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता है उनकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले किसी भी औरत को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। मतलब औरतों को गिरफ्तार करने के लिए दिन होना जरूरी है, रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। चाहे उसने कत्ल ही क्यों ना कर दिया हो, फिर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और फिर भी अगर आफत आ चुकी है कि उसको गिरफ्तार करना ही करना है, तो उसके लिए रिटन में मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है और पुलिस को लिखित में बताना पड़ता है कि क्या आफत आ गई जो इसको रात को गिरफ्तार करने की जरूरत आ पड़ी। मेरा फर्ज था अपने व्यूवर्स को बताने का, स्पेशली लेडीज, अब कत्ल बदल मत कर देना। दोस्तों जब कोई हमसे बड़ा, यानी मम्मी पापा इवन टीचर भी हमसे कहे कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, चलो खड़े हो जाओ। पापा आए तो कुछ ज्यादा है, पापा कहें खड़ा हो, तुझसे एक सवाल पूछना है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? तो हमें हाल ही में किए गए सारे काम, बुरे काम सेकंडों में याद आ जाते हैं। मेरी तरह हरामी हो, पाप लगे तुम्हें। तो अब आते हैं टिकटॉक पे। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया आप भी कुछ बोलिए, मैसेजेस आ रहे हैं भैया आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे, ये नहीं भाई मेरे को इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरी भी वही राय है जो बाकी यूट्यूबर्स की, जो बाकी यूट्यूबर्स का सोचना है वही मेरा सोचना है टिकटॉक के बारे में, समझ गए होंगे आप। बाकी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारत की आर्मी से कोई टिकटॉक यूज करता है तो उसे सर अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए, जय हिंद। क्योंकि ये चाइनीज ऐप है और हमारे काफी सैनिक चाइना के बॉर्डर पर भी होते हैं, इससे हमारी आर्मी की सिक्योरिटी का खतरा बना रहता है, क्योंकि चाइना की सरकार टिकटॉक से जब चाहे डेटा कलेक्ट कर सकती है और हमारे खिलाफ उसे इस्तेमाल कर सकती है। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की आर्मी ने टिकटॉक को बैन कर दिया है, पर इंडिया में अभी भी चल रहा है, जो मर्जी डाउनलोड कर। आप खुद समझदार हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि वो चाइनीज माल है, साला कभी भी धोखा दे सकता है। एंड सभी जवानों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और प्लीज, वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा भी टिकटॉक पर अकाउंट है, पर मैं उसे यूज नहीं करता अपने फोन में, वो मेरा मैनेजर करता है, अपने पंगे लेते रहता है, एक्स्ट्रा फोन रखा हुआ है उसने टिकटॉक को यूज करने के लिए। वो भी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी प्राइवेसी टिकटॉक पर भाई कोई कॉपीराइट नहीं है, मेरी वहां पर वीडियोस चल रही हैं, 40-40, 50-50 मिलियन व्यूज आ रहे हैं,
मेरे अकाउंट पर नहीं आ रहे साले। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? वहां पर ना तो क्रेडिट देते हैं, ना लेना ना देना, कुछ नहीं है, ना कॉपीराइट सिस्टम है, नहीं तो उनकी वीडियो ही टेकडाउन करवा दे, कुछ भी नहीं है। तो क्या करें भाई, कोई पॉलिसी नहीं, गाइडलाइन नहीं, कुछ नहीं है उधर। तो इसी वजह से टिकटॉक अकाउंट बनाना पड़ा, जो कि मैनेजर लगा रहता है, एक दो हफ्ते में पंगे लेके वीडियो अपलोड कर देता है। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध भी देता है और अंडे भी, तो इसका उत्तर है डक बिल्ड प्लैटिपस। दोस्तों ये बतख ही होता है, पर ये अंडे भी देता है और दूध भी देता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। व्हाट इज प्लैटिपस? The platypus, sometimes referred to as the duck-billed platypus, is a semi-aquatic egg-laying mammal endemic to eastern Australia. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का लाइक हम रख लेते हैं। आजकल भाई लाइक करते नहीं हो आप, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है भाई आप पे, मेरा गुस्सा शांत करो। आज का लाइक है 130,101 लाइक। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। दोस्तों अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, ये एक सीआईडी वाला सवाल है, बहुत ही चकरा देने वाला सवाल है जिसका जवाब सिर्फ जीनियस बंदे दे पाएंगे। तो सुनो दोस्तों, फर्श पर एक आदमी एक हाथ में कैसेट रिकॉर्डर और एक हाथ में गन के साथ मरा हुआ पाया गया। और जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है तो वो रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाते हैं और उसमें से जो आवाज आती है वो उस आदमी की थी जो मरा हुआ पाया गया। उसने उस रिकॉर्डिंग में कहा कि मेरे पास जीने के लिए अब कुछ नहीं है, मैं अब नहीं जीना चाहता। इसके बाद गोली की आवाज आती है और ये सब सुनने के बाद पुलिस वालों को पता चल गया था कि ये आत्महत्या नहीं, इसका मर्डर हुआ है। बताइए कैसे? बताओ, बहुत दिन हो गया तुमको। वैसे मैंने इसका जवाब इंस्टाग्राम की एक फोटो या वीडियो होगी उसके ऊपर दे दिया है, जाकर आप देख सकते हो। और अगर उससे पहले मैं तो यही कहना चाहता हूं, आप यहीं पर ट्राई कीजिए, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर ट्राई कीजिए, दिमाग चलाइए, कुछ तो आपको समझ आएगा। नहीं तो इंस्टाग्राम पर तो पड़ी है, जाकर आप देख सकते हो आराम से इसका उत्तर। यह रहा इंस्टाग्राम का यूजर नेम। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको और आज का लाइक एम तो मैंने मांग ही लिया, तो आप कर देना, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। और लूडो को डाउनलोड करना ना भूलें, ये पहले जैसी बोरिंग लूडो नहीं है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके। रुको, आज मैं ये बाय भी अपने ब्रदर से करवाऊंगा। अच्छा हम कर देते हैं, हां जब बिना गाली दिए ओके बाय, ठीक है कहना। तो बिना गाली दिए तो बिना गाली दिए ओके बाय।